How are you all? I hope you all are good. So friends, मैं अन्नपूर्णा सिंह आप सभी का वेलकम करती हूँ. होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा, यानी कि प्रीवियस जो क्लास है उससे हमने क्या सीखा. What we had learned in previous video. So in previous video we had done some activity. हमने कुछ एक्टिविटी किया था. And the activity was related the thing with things and with floats. यानी कि वो जो activity था किससे related था. तो वो activity related था बच्चों कि कौन सी ऐसी चीज है जो water में sink हो जाती है, यानी कि डूब जाती है, और कौन सी ऐसी चीज है जो water में float करती है, यानी कि तैरती है. तो हमने पहले पिछले क्लास में देखा ना. तो बच्चों सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम जो इस वीडियो में पढ़ाएंगे वो आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ जाएगी, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग जो होगा बहुत ही अच्छे तरीके से होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग फर्स्ट वीडियो को देखिए जो पहले अपलोड कर दिए हैं. सो फ्रेंड्स, हमने देखा पिछले वीडियो में कि हमने कुछ एग्जाम्पल लिया या फिर हमने कुछ ऐसे थिंग्स लिए जो फ्लोट होते हैं एंड कुछ ऐसे थिंग्स लिए जो सिंक होते हैं. जैसे कि हमने ये लोहे की कील ली थी, ये हमने आयरन की कील ली थी, इसको हमने वाटर में डाला था तो बिल्कुल डूब गया था. एंड हमने टैबलेट के जो कुछ पत्ते हैं इसको हमने लिए थे, ये फ्लोट करने लगा था. तो इसी तरह से बच्चों आज हम लोग कुछ जो टॉपिक है जिसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में. ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 7 यानी कि क्लास 5 EVSA चैप्टर 7 एक्सपेरिमेंट विद वाटर, जिसमें टॉपिक है हमारा बायोंसी फोर्स. बायोंसी फोर्स क्या है एंड कैसे ये वर्क करता है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे. ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो हम लोग क्लास का स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि बायोंसी फोर्स होता क्या है. ठीक है, आखिर ये कैसे उत्पन्न होता है. ठीक है बच्चों, तो सपोज दैट बच्चों कि हम कोई भी चीज ऊपर की ओर फेंकते हैं, जैसे कि हमने हमारे हाथ में ये मार्कर है, हमने ऊपर की ओर फेंका तो क्या हुआ, नीचे की ओर आ गया है. यानी कि कोई भी चीज को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर आ जाता है. उसी तरह से हमने यहाँ एक बॉल लिया, यहाँ हमने एक बॉल का फिगर बनाया है. हम कोई भी एक्टिविटी को फिगर के थ्रू समझेंगे, जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी बहुत ही अच्छे तरीके से होगी और हमारा जो मेमोरी पावर होगा लॉन्ग लास्टिंग होगा. ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने एक बॉल लिया है, उसको हमने ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर फेंका तो बॉल जो है नीचे की ओर आ जाता है. यानी कि कोई भी चीज को ऊपर की ओर फेंकने पर वो नीचे की ओर आ जाता है. इतना तो आप समझते हैं, इतना तो आप जानते ही हैं. ठीक है, लेकिन बच्चों हमारा सवाल है कि जब भी आप कोई भी चीज ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे की ओर आता है. तो अगर हम कोई भी चीज को ऊपर की ओर फेंके, नीचे वाटर है तो वो वाटर के अंदर क्यों नहीं जाता. ठीक है, कोई भी चीज अंदर जाता भी है कोई नहीं भी जाता है. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कोई चीज अंदर डूब भी जाती है यानी सिंक हो जाती है और कोई चीज फ्लोट होने लगता है. तो क्यों कोई चीज फ्लोट होता है, वो भी क्यों नहीं अंदर चला जाता, कोई भी चीज अंदर क्यों नहीं जाता है. तो आइए हम इसको फिगर के थ्रू समझेंगे. जैसे देखिए बच्चों, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, हमने कोई भी थिंग ले लीजिए, चाहे मार्कर हो, चाहे आपके पास आसपास कोई भी चीज हो, उसको आप एग्जांपल के थ्रू पे ले सकते हैं और आप इसको इस एक्सपेरिमेंट को एक्टिविटी को घर पे भी कर सकते हैं. तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ देखिए ये वाटर है. ठीक है, ये सब वाटर है. हमने कुछ ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर से इस वाटर में फेंका तो उससे क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों इसने अपने शेप के अकॉर्डिंग वाटर को डिस्प्लेस किया. यानी कि इतना जो बड़ा बॉल था इसको वाटर में फेंकने पर क्या हुआ, इतना जो एरिया है इसका, इसके इस एरिया में जो वाटर था उसको डिस्प्लेस किया. डिस्प्लेस मतलब होता है हटाना. तो ये जो एरिया है, ये एरिया बच्चों ये हमारा वाटर का एरिया है, तो इतना एरिया जो है हटा हुआ एरिया है वाटर का, यानी कि डिस्प्लेस वाटर का एरिया है, जिसे हम हटा हुआ पानी कहते हैं. डिस्प्लेस वाटर मतलब ठीक है. तो ये इसको ऑब्जेक्ट को कोई भी चीज को हमने जब वाटर में फेंका तो इसने अपने शेप के अकॉर्डिंग वाटर को डिस्प्लेस किया. ठीक है, जिस तरह से ये बॉल वाटर में गया है.
तो उससे क्या हुआ बच्चों कि कोई भी चीज हम वाटर में फेंकते हैं तो वाटर भी क्या होती है कि अंदर से ऊपर की ओर एक प्रकार का फोर्स लगाती है। जिस तरह से देखिए ये जो बॉल यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है इस वाटर में आया तो ये वाटर भी ऊपर की ओर एक प्रकार का फोर्स लगाती है जिसे हम कहते हैं बॉयंट फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं बॉयंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब उछाल होता है, यानी कि कोई भी चीज को हम वाटर में डालेंगे तो वाटर भी क्या होगा अंदर से ऊपर की ओर उछाल देगा, यानी एक प्रकार का बल फोर्स लगाएगा जिसके थ्रू क्या होता है कि कोई भी चीज ऊपर की ओर आती है। ठीक है, देखिए किस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को डाला तो इतना जो वाटर डिस्प्लेस किया इसको डिस्प्लेस वाटर कहते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट के शेप के अकॉर्डिंग, और यहाँ जो नीचे की ओर से जो फोर्स लगाया उसे हम बायंट फोर्स कहते हैं। तो देखिए बच्चों ये ऑब्जेक्ट का वेट है, ऑब्जेक्ट का वेट है और इसने इतना डिस्प्लेस वाटर किया है और यहाँ पे बायंट फोर्स है। ये तीन चीज तो आप समझ गए कि ये तीन चीज कंडीशन यहाँ पे हो रही है। तो अगर इस शेप का यानी कि अगर इस थिंग्स का कोई भी चीज का इस बॉल का द्वारा यानी कि इस बॉल के द्वारा जो हटाया गया जो वाटर है यानी डिस्प्लेस वाटर है उसकी अगर जो वेट ज्यादा हो जाती है इसकी वेट से तो कोई भी चीज होता है वो फ्लोट करने लगता है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि हमने माचिस की तिली ली थी और उसको हमने वाटर में डाला था तो किस तरह से माचिस की तिली तैरने लगी थी, जबकि जो कील होता है यानी कि ये जो लोहे की कील है किस तरह से वाटर में सिंक हो जाती है। तो यानी कि बच्चों कोई भी चीज है उसके द्वारा हटाया गया वाटर डिस्प्लेस वाटर की क्वांटिटी उसका जो वेट होता है ज्यादा होता है उस थिंग्स के वेट के अकॉर्डिंग तो वो जो थिंग्स होता है फ्लोट करने लगता है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट है इसका वेट इसके डिस्प्लेस वाटर से यानी कि हटाए हुए पानी से ज्यादा हो जाएगा यानी कि इसका जो वेट ज्यादा हो जाएगा डिस्प्लेस वाटर से तो क्या होगा ये वो चीज जो होती है डूब जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था बच्चों, जैसे कि ये वाटर है ठीक है एंड हमने एक छोटी सी माचिस की तिली ली है, ये माचिस की तिली ली है हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा ये फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हल्का है कि नहीं, ये माचिस की तिली बहुत ही हल्का है और ये अपने शेप के अकॉर्डिंग बहुत ही कम पानी डिस्प्लेस कर रही है जिससे क्या हो रहा है कि इसका जो डिस्प्लेस वाटर है जो है इसका शेप बहुत ही हल्का हो जा रहा है, हल्का होने के कारण ये फ्लोट करने लग रहा है। इसी तरह से हम एक लोहे की कील लेते हैं, ये लोहे की कील है एंड हम जब इसे वाटर में डालते हैं तो ये जो लोहे की कील है नीचे की ओर आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके द्वारा कील के द्वारा लोहे की कील के द्वारा जो डिस्प्लेस वाटर है बहुत ही कम है, यानी कि उसका जो वेट है इसके इस कील के वेट से क्या होता है कम होता है और इस कील का वेट भारी होता है जिससे क्या होता है कि कोई भी चीज वाटर में डूब जाती है, जिस तरह से लोहे का कील वाटर में सिंक हो गया। तो आइए बच्चों हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि बायंस फोर्स का डेफिनेशन देख लेते हैं और ये जो कंडीशन हमने पढ़ा उसको हम स्टेप बाय देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बायंस फोर्स का मतलब क्या होता है, बायंसी इज द अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड टू अपोज द वेट ऑफ एन इमर्स वाटर, यानी कि कोई भी चीज को हम लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड के अंदर से भी एक प्रकार का फोर्स निकलता है, यानी कि कोई भी चीज को हम वाटर में पानी में डालेंगे तो पानी के अंदर से भी एक प्रकार का फोर्स निकलता है जो किसी भी चीज को ऊपर की ओर उछाल देता है। बायंस मतलब होता है उछाल देना, यानी कि उछाल देना एक प्रकार का बल होता है जो ऊपर की ओर किसी थिंग्स को ऊपर की ओर करता है उछाल देता है। तो वही यहाँ पे कर रहा है कि उसके अपोजिट में उछाल देता है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम पानी में फेंकते हैं तो पानी के अंदर से भी एक प्रकार का बल लगता है और वो बल उस जो थिंग्स उसको पुश करता है ऊपर की ओर उछाल देता है करने के लिए। तो देखिए बच्चों अभी हमने कंडीशन पढ़ा था कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्या होता है मोर देन वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर, तो उस कंडीशन में क्या होगा ऑब्जेक्ट विल सिंक, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है डिस्प्लेस वाटर से ज्यादा होता है। जैसे कि इस लोहे की कील का वेट इस डिस्प्लेस वाटर से यानी इसके द्वारा हटाए गए वाटर से पानी से डिस्प्लेस वाटर से इसका वेट ज्यादा हो गया, इस कारण से क्या हो गया कि ये जो कील हो गई डूब गई। तो यही कंडीशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर
then when weight of the displaced water, तो क्या होगा कंडीशन हमारा ऑब्जेक्ट विद सीन, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा डूब जाएगा. उसी तरह से when weight of the object less than weight of the displaced water, तो उसी तरह से क्या होगा बच्चों, जब कोई भी चीज का वेट जो होगा हल्का होगा किसके अकॉर्डिंग, उस डिस्प्लेस्ड वाटर के अकॉर्डिंग, यानी कि उसकी तुलना में, तो क्या होगा उससे ये जो थिंग्स जो होगा फ्लोट करने लगेगा. जैसे कि माचिस की तिल्ली को हमने लिया था कि इसका जो वेट है इसके द्वारा हटाए गए यानी कि डिस्प्लेस वाटर का वेट के अकॉर्डिंग इसका वेट कम है, यानी कि हल्का है इसलिए, यानी कम है इसलिए ये फ्लोट कर रहा है वाटर में. ठीक है, ये समझ में आ गया. तो हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम माचिस का तिल्ली और लोहे की कील का ले लेंगे. तो ये देखे हमने कि किस तरह से ये जो तिल्ली है माचिस की तिल्ली, उसके द्वारा जो हटाया गया पानी है डिस्प्लेस वाटर का जो वेट है इसके वेट के अकॉर्डिंग ज्यादा हो जा रहा है और इसका वेट हल्का हो जा रहा है जिस तरह से ये तैरने लग रही है वाटर में. और जो माचिस कील जो था लोहे का कील था वो क्या हो गया बच्चों, तो उसका जो वेट हो गया डिस्प्लेस वाटर के अकॉर्डिंग ज्यादा हो गया इसलिए वो डूब गया वाटर में. आइए हम एक और कंडीशन फिगर के थ्रू समझ लेते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. तो हमने बच्चों ये चीज तो हमें समझ ली कि व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मोर देन वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर, ये तो कंडीशन क्या होगा ऑब्जेक्ट विल सिंक. एंड व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर, तो हमारा कंडीशन क्या होगा ऑब्जेक्ट विल फ्लोट. इतना तो आपको समझ में आ गया होगा. तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम इरेज करते हैं. ठीक है, चलिए. कंडीशन को समझ लेते हैं फिगर के थ्रू कि कैसे कोई चीज का जो वेट ज्यादा होता है डिस्प्लेस वाटर के अकॉर्डिंग यानी कि उसकी तुलना में, तो कैसे कोई चीज डूब जाता है. जैसे कि बच्चों यहाँ पे वाटर है, ठीक है, ये वाटर है एंड यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, ठीक है, इसका जो वेट है एंड इसका जो बैलेंस फोर्स है इसमें हम लोग देखेंगे. तो इसका जो वेट है, हाँ वेट ज्यादा है, एक्सेस है, इसका बायंस फोर्स है, बायंस फोर्स क्या होगा लेस होगा, इसका बायंस फोर्स क्या होगा बच्चों, इसका बायंस फोर्स ज्यादा होगा एंड इसका वेट लेस होगा. ठीक है, तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा हल्की सी, मतलब इसका जो हाफ से भी ज्यादा कम जो पार्ट है वो पानी में डूबा हुआ है. ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों बिल्कुल पूरी तरह से डूब गया है. तो देखिए इसका जो वेट है, इसका वेट इसके बायंस फोर्स क्या है कम है, तो इसलिए क्या होता है कि ये पानी में तैरता है. और इसका ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट होता है ज्यादा किसके अकॉर्डिंग, बायंस फोर्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि कोई भी चीज डूब जाता है. जैसे अभी हमने पढ़ा कि व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर देन वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर, तो क्या होगा कोई भी चीज डूब जाएगा. जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके द्वारा जो हटाया गया पानी इतना है और इसके द्वारा हटाया गया पानी इतना है. ठीक है, तो इसके डिस्प्लेस वाटर जिसका ज्यादा होगा, जिस भी थिंग्स का डिस्प्लेस वाटर ज्यादा होगा तो वो जो थिंग्स है वो फ्लोट करने लगेगा, और जिसका डिस्प्लेस वाटर थिंग्स के अकॉर्डिंग कम होगा तो वो जो क्या होगा, वो जो वेट होगा उसका थिंग्स भारी होगा और क्या होगा जिससे वो चीज डूब जाएगा. तो बच्चों यहां तक तो आपने समझ रखा है. अब चलिए थोड़ा सा हम और नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं.
मान लीजिए बच्चों कि ये पानी है, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, एंड यहां पर हम एक बोट बनाते हैं, ठीक है, ये है बोट, ये बोट बन गया हमारा, ये बोट बन गया है, देखिए किस तरह से ये बोट है बच्चों, ठीक है। अभी हमने देखा कि कोई भी कील है, लोहे की कील वाटर में डालने पर डूब जाती है, यानी कि सिंक हो जाती है, जबकि ये कील बहुत ही छोटी है, ठीक है, बहुत ही छोटी आकार की है, फिर भी वाटर में डालने में डूब जाती है। लेकिन ये जो हमारा बोट है, ये बोट है बच्चों, ये हमारा बोट वाटर में डूबता नहीं है, ये भी तो लोहे का बना रहता है, इसका भी साइज बहुत बड़ा होता है, हैवी होता है, तो ये क्यों नहीं डूबता पानी में, आखिर क्यों नहीं डूबता पानी में, आपके मन में सवाल आता होगा ना। तो देखिए, कोई भी थिंग्स होता है बच्चों, वो उसका जो एरिया होता है उस पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना वाटर को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा बोट है, इसका एरिया देखिए कितना बड़ा ये बोट है, ये बोट कितना बड़ा है, तो इसका शेप भी बड़ा हो गया, इसकी चौड़ाई लंबाई ये सब जो बहुत ही चौड़ी और बहुत ही हैवी है, तो जिसके कारण होता है कि एरिया ज्यादा होने के कारण, एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, डिस्प्लेस वाटर भी ज्यादा होगा, डिस्प्लेस वाटर भी ज्यादा होगा, यानी कि एरिया ज्यादा होने से वो पानी को भी बहुत ज्यादा दूर तक फैलाएगा, हटाएगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि इसमें जो इस वाटर से जो लगने वाला बायंस फोर्स है, इस कंडीशन में इस वाटर से जो बायंस फोर्स जो लगता है बच्चों, इसके वेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके वेट के अकॉर्डिंग ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि इसका जो बायंस फोर्स लगा, इसका जो बैलेंस फोर्स लगा इसके वेट के अकॉर्डिंग ज्यादा होता है, और ये जो एरिया जितना डिस्प्लेस करता है, वाटर जितना डिस्प्लेस करता है, तो वो जो वाटर का जो डिस्प्लेस वाटर का जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा होने के कारण इस ये जो बोट है वो वाटर में फ्लोट करने लगता है, यानी कि डूबता नहीं है, इसके कुछ पार्ट ही वाटर में तैरते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, हम और अच्छे से समझ लेते हैं, इसका एरिया ज्यादा होने के कारण, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का एरिया भी डिपेंड करता है कि अगर आप इतना बड़ा ऑब्जेक्ट को वाटर में डालते हैं तो इतना बड़ा, इतना ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा, यानी कि हटाएगा। अगर आप छोटी सी चीज को, थिंग्स को वाटर में डालते हैं तो वो पानी बहुत ही कम ही डिस्प्लेस करेगा वाटर, जहां हमने लिया था एग्जाम्पल कील का, और यहाँ ले लीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बोट का, तो देखिए किस तरह से इसका एरिया ज्यादा है तो ये पानी को ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा, तो इससे क्या होगा कि ज्यादा हटाएगा डिस्प्लेस वाटर, तो उसकी जो वेट है ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि जितना ज्यादा डिस्प्लेस वाटर का वेट ज्यादा बढ़ेगा तो इसका जो वेट होगा लाइट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, जिससे क्या होगा कि कोई भी चीज फ्लोट करने लगता है। तो यही पे हमारा जो शिप है, इसका जो वेट है इसके डिस्प्लेस वाटर से कम हो जाता है, और डिस्प्लेस वाटर का वेट है वो ज्यादा हो जाता है, और जो वाटर है, वाटर का जो बायोलॉजी फोर्स है ज्यादा हो जाता है, और इसका वेट हल्का हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा नाव है, शिप है, वो डूबता नहीं है, आराम से फ्लोट करता है। ये समझ में आ गया बच्चों, देखिए किस तरह से ये नाव फ्लोट कर रहा है, और हमारी छोटी सी कील जो है किस तरह से वाटर में सिंक हो गई है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में ये पढ़ा कि कैसे कोई भी चीज वाटर में फ्लोट होती है और कोई भी चीज कैसे सिंक होती है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट यानी बॉल का भी एग्जांपल लिया, हमने यहाँ पे माचिस की तीली और लोहे की सुई को भी, नोक को भी हमने एग्जांपल लिया, हमने शिप का भी एग्जांपल लिया कि कैसे शिप बड़ा होने के बाद भी वाटर में फ्लोट करते रहता है, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होने से वाटर ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, और वो जितना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा उसका वेट इसके शिप से, यानी कोई भी थिंग से ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा डिस्प्लेस वाटर का वेट ज्यादा होगा कोई भी चीज फ्लोट करेगा, ठीक है।
तो ये क्लियर हो गया बच्चों। तो इस वीडियो में हमने वायलेंसी फोर्स के बारे में जाना। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको एक डिस्क्रिप्टिव वे में समझ लेंगे। हालांकि हमने एक्सपेरिमेंट तो कर रखा है, तो अगर आप सबसे पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसमें एक्सपेरिमेंट को सबसे एक्टिविटी जो किया गया है उसको देखिए एंड उसके बाद इसको समझिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सबको शेयर कीजिए, सबको बताइए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।